रितम तुमको 5 years हो गया एक्चुअल प्रोफेशन में, कॉलेज प्लस जॉब, ठीक है. तो उस समय जब तुमने स्टार्ट किया था, उस समय क्या मन में चल रहा था व्हेन यू स्टार्टेड एक्चुअल साइंस? नेक्स्ट 5 साल के, उस समय क्या सोचा था कि 5 साल के बाद क्या होगा? अब 5 साल में खड़े हो, तो व्हाट इज योर नेक्स्ट 5 years का गोल? सो दो पार्ट में ब्रेक करो इसको. पहले तो बताओ कि व्हेन यू स्टार्टेड उस समय क्या मन में चल रहा था, और अभी इस पॉइंट पे क्या चल रहा है फॉर द नेक्स्ट 5 years, एंड क्या वो गोल्स जो तुमने 5 साल पहले सोचा था वो पूरा हुआ है? हाँ, तो देखिए थोड़ा सब्जेक्टिव है, तो ये गोल अपना बताओ, सबका अपना अपना गोल रहता है. सो व्हेन आई, मैंने जब फर्स्ट टाइम एग्जाम रजिस्टर किया था ना, तो मेरे अंदर एक ही ख्याल था कि जब तक कॉलेज खत्म हो रहा है ना, मेरे को CM1, CM2, CS1, CS2 करना ही करना है. ठीक है, क्योंकि इसी इन सारे पेपर्स में बहुत एट्रिशन रहते हैं, जो फेल करते हैं वो निकल जाते हैं, एक्चुअली छोड़ देते हैं. तो एक तो मेरे दिमाग में था कि निकलना नहीं है, क्विट कभी नहीं करना है. मेरे को पता है एक्चुअली में फेलियर आते हैं, लाइक इनफैक्ट मैं जितने भी क्वालिफाइड एक्चुअली जानता हूँ, कोई ऐसा भी नहीं है जो एकदम कंप्लीट पेपर्स वन को मैं कर दिया. सो क्विट नहीं करना था, ये मेरे दिमाग में क्लियर था, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन ऑप्शन भी. मैंने कभी ऑप्शन भी रखा ही नहीं अपने अंदर, एक्चुअली करना है तो वही करूँगा. ठीक है, तो वो मेरा थिंकिंग था. एंड गोल्स में आते तो पहला तो गोल था कि CMCS करना है, एंड टू फाइंड अ जॉब, बिकॉज जब मैं एक्चुअली कर रहा था ना, जॉब मार्केट उतना भी इतना नहीं था कि जैसे अभी है कि मिल ही जाएगा, अभी तो सिक्योरिटी है, मिलना ही है, तो वो नहीं था. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू क्लियर एग्जाम्स, यू हैव टू गेन प्रैक्टिकल नॉलेज एज वेल, इंटर्नशिप. जैसे मैंने इंटर्नशिप भी किया था बीच में, एक्चुअली करेक्ट, तुमने थर्ड ईयर में किया था? हाँ, मैंने एकदम एंड में किया था, तो दैट वाज इन ALM टीम, तो डेटा इंटर्न ही था बट एक्चुअल में था. तो वो सब गोल्स है कि कॉलेज तक जितना हो सके एक्सप्लॉइट दिस कोविड वाला टाइम जब की ऑनलाइन कॉलेज था, कि पेपर्स निकालो, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस लाओ, ताकि जॉब मिल जाए. दैट वाज माय फर्स्ट गोल कि ग्रेजुएशन के बाद मेरे को जॉब चाहिए, कैसे होगा, पेपर्स एक्सपोजर. तो उसमें तो मैं कामयाब हो गया थैंकफुली. बट हाँ, मेरा अभी जो गोल है ना, दैट इज टू बी एन क्वालिफाइड एक्चुअली. उसके लिए अभी अप्रैल में 2 एग्जाम दिया, पास हो गया तो एक्सीलेंट बन जाएंगे होपफुली, फिर 3 एग्जाम बाकी हैं. तो वो मेरा भी गोल है कि क्वालिफाइड एक्चुअली तो बनना ही है. बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि एग्जाम्स इज नॉट एवरीथिंग इन एक्चुअल डोमेन. आप जब काम ज्वाइन करते हो ना, यू हैव टू फोकस ऑन वन पर्टिकुलर स्ट्रीम. एक एक्चुअली क्या करता है कंपनी में, वो आपका रिजर्विंग, टैक्सिंग, मॉडलिंग, वैल्यूएशन, ये सब करता है. तो आप जब क्वालिफाइड एक्चुअली बनोगे ना, यू कांट बी अ क्वालिफाइड एक्चुअली डूइंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स, यू हैव टू स्पेशलाइज. सो वो मेरा एक लॉन्ग टर्म गोल है कि मैं इन 4-5 कोर लाइफ इंश्योरेंस वाले काम में ऐसे घुस जाऊं कि उसमें एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन जाऊं. हाँ, उन सारे फील्ड्स में. तो वो मेरा गोल है कि क्वालिफिकेशन के साथ साथ यू गेन सफिशिएंट एक्सपीरियंस इन दैट पर्टिकुलर लाइन ऑफ वर्क, सो दैट कंपनी अप्रिशिएट्स यू, यू गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज, एंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी रहता है कि तुमने कुछ तो अर्न किया है अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जाम्स एंड ऑल. तो वो एक मेरा गोल है और उसमें मैं भी फोकस्ड हूँ. चलो, वेरी गुड.